हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोग के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बनाना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप, जो कि अब धीरे धीरे अब अपने लास्ट स्टेज पर आ रहा है। सुपर आठ का राउंड भी हाफ कंप्लीट हो गया, जहां पे टॉप टीम्स में फाइट भी देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के 49वें मुकाबले के बारे में, जिसमें एक तरफ यूएस है वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड है। दोनों पहली बार क्रिकेट में आमने सामने होंगे। ये दोनों टीम 23 जून को बारबाडोस के कैनिंगस्टन ओवल में आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस में सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं क्या वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम लगभग क्लियर रहेगी, ह्यूमिडिटी 80% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। यहाँ के पीछे T20 बैटर्स के लिए टफ है, यहाँ के पीछे अपने स्लो ऑल फील्ड के लिए जानी जाती है, कंडीशन स्पिन बॉलर को फायदा पहुँचाता है। इसके अलावा शुरुआती सी मूवमेंट स्विंग बॉलर की मदद करती है। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 63% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 125 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 117 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर सुपर आठ का अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन अगले मैच में टीम ने साउथ अफ्रीका से हार गई। टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए यह मैच बिग मार्जिन से जीतना होगा। आपका कप्तान जो कि जॉस बटलर फिलिप सॉल्ट के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, सॉल्ट ने 5 इनिंग में 158 रन बना के लीडिंग रन स्कोरर भी है। नंबर 3 पर जो कि जॉनी ब्रेस्टो उतर रहे हैं। टीम की बैटिंग में डेप्थ है, हैरी ब्रूक, लैम लिविंगस्टोन और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर है। बुक ने लास्ट गेम में 53 रन बनाए थे, सैम कर ने लास्ट गेम में मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। वहीं बॉलिंग टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, टीम 4 पे से 2 स्पिनर के साथ उतर रही है। जोफ्रा आर्चर ने अब तक सबसे ज़्यादा 9 विकेट लिए, वहीं पे मार्क वुड जो कि अब तक फ्लॉप देख रहे हैं, जिसी टोपले इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में आदिल आसिफ जो अब तक 7 विकेट लिए। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉस बटलर है, फिलिप सॉल्ट है, जॉनी ब्रेस्टो है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, ऋषि टोपली, जोफ्रा आर्चर, आदिल आसिफ और मार्क वुड है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि फिलिप सॉल्ट है, जॉस बटलर है और जोफ्रा आर्चर है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी यूएसए का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे टीम ने ग्रुप स्टेज में तो शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन सुपर आठ में टीम को असली क्रिकेट का पता चला जब बिग टीम ने यूएसए को आसानी से हरा दिया। पहले अफ्रीका फिर वेस्ट इंडीज, टीम को करारी हार दी गई। अब टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, टीम के लिए बड़ा झटका लगाया कि उसके रेगुलर कप्तान मोनांग पटेल जो कि इंजरी के चलते खेल नहीं पा रहे, ओपनिंग में स्टीवन टेलर और एंड्रिज गॉस खेल रहे। एंड्रिज गॉस ने 211 रन बना के टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। नंबर 3 पर जो कि नीतीश कुमार को मौका मिला था। नंबर 4 पर कप्तान जोन्स ने अब तक 152 रन बनाए। दो ओवर में कोरिया टेस्टर हरमीत सिंह जो कि हार्ड हिटर है, लास्ट गेम में बॉलिंग पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग को धो दिया, टीम ने 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे, वहीं पर सौरभ नेतवाल के टीम को लीड कर रहे हैं। अली खान इफेक्टिव नहीं दिखे, लास्ट गेम में एकमात्र विकेट हरमीत सिंह ने लिया था। पार्ट टाइमर में आपको मिलिंद कुमार और कोरिया डेसन ने अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं यूएसए का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि सियान जहांगीर है, स्टीवन टेलर है, एंड्री गॉस है, एरन जोन्स है, नीतीश कुमार है, कोरिया डेसन है, हरमीत सिंह है, अली खान है, जसदीप सिंह है, नॉर्थिस कैंजी है, सौरभ नेतवालकर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि कोरिया डेसन है, सौरभ नेतवालकर है, स्टीवन टेलर है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। इंग्लैंड के बैटिंग लाइनर में अपने डेप्थ है, लेकिन ये उससे जिस तरह का खेल इस वक्त दिखा है उसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्कैन को देखते हुए इंग्लैंड यहाँ पे आगे चल रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में इंग्लैंड होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।